नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप गुरुज। मेरे साथ मेरा नाम है रवि शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, आपने बहुत नाम सुना होगा जिफी, या फिर आपने देखा भी होगा जिसमें करीब 8-9 सेकंड की वीडियो चलती है और फिर वो दोबारा रिपीट हो जाती है, तो उसे कहते हैं हम जिफी। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जिफी कैसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल से आपसे, बहुत आसान से आप बना सकते हैं। बस आपको ये वीडियो को अंत तक देखना है और उसको सीखना है। कोई भी क्वेरी हो निसंकोच होकर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं बैठा हूँ, मेरी टीम यहाँ पे है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं बड़ा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हमें जिफी कैसे क्रिएट करना होता है और कैसे हम जिफी को बना सकते हैं। दोस्तों, आजकल के ट्रेंड में बहुत एसेंशियल हो जाता है कि अगर हम कुछ चीज़ को बनाने जा रहे हैं आज के टाइम में, ये भी आप देख सकते हैं कि जगह जगह लोग पूरी वीडियो से डाल पाते हैं, क्रेडिट नहीं दे पाते, तो वो क्या करते हैं, जिफी क्रिएट करते हैं ताकि आसानी से उनके पास ट्रैफिक कन्वर्ट हो जाए, ताकि आसानी से वो लोगों को दिखा सके जो भी मैसेज कन्वे करने जा रहे हैं। तो जिफी हर कोई बनाना चाहता है लेकिन बना नहीं पाता, प्रॉब्लम फेस करता है। तो आज की वीडियो में आपका एक सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिफी आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लीजिए। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको ये करना है, जो भी आपके अगर वीडियो है, अगर आपकी वीडियो सेव है तो आप सेव वीडियोस को अपने पास रख सकते हैं, या फिर आपके पास इमेजेस है तो इमेजेस को रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं आसानी से रख सकते हैं। प्रेफर कीजिएगा वीडियो हो, वीडियो से ही आप बना पाएंगे। जिन भाई लोगों के पास वीडियोस नहीं है उनके लिए भी मैं बताने जा रहा हूं कि आप कैसे निकाल सकते हैं या फिर आप कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बस यहाँ पर एक छोटा सा आपको ट्यूटोरियल बताता हूँ कि आप कैसे, मैं तो एक बार प्रोमो करके बता रहा हूँ आपको। आपके पास वीडियोस तो आप उन स्टेप्स को फॉलो करिएगा, मेरे पास वीडियोस नहीं है तो मैं बता रहा हूँ मैं कैसे उन चीज़ों पर काम करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो सपोज करिए कि मैं अगर ये वाला इस गाने का मैं अगर जिफी बनाना चाहता हूँ तो मैं कैसे बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट हट जाने दीजिए। अब ये मैंने इसका ये गाना यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुका है। मुझे इस गाने का जिफी बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। मैं सबसे पहले दोस्तों क्या करूँगा, इसका यहाँ से लिंक कॉपी कर लूँगा यूट्यूब का, और लिंक कॉपी करने के बाद दोस्तों मैंने एक नया टैब ओपन करूँगा। नए टैब में दोस्तों मैं डालूँगा जिफी, GIPHY.com, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एंटर कर दूँगा। तो दोस्तों जैसे मैं ये डालूंगा, डालने के बाद अगर मैं पेस्ट कर दूंगा तो आप देखिएगा कुछ इस तरह की साइट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद मुझे क्या करना है, अब आप खुलेगा तो आप कहेंगे भाई इसके बाद तो मुझे अपलोड करना, अपलोड हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होगा दोस्तों। आपको साइट में क्लिक करना होगा क्रिएट पे, ठीक है दोस्तों। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा चूज फोटो और जिफ या चूज वीडियो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास जिसके पास वीडियो है भाई लोग वीडियो पे क्लिक कर लेंगे, अदरवाइज जिन लोगों ने यूट्यूब का लिंक कॉपी किया कहीं से वो वीडियोस उस यूट्यूब वीडियोस का कहीं बनाना चाहते हैं जिफी, तो यहाँ पे उसका लिंक जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो जिफी ये जो साइट है ये अपने आप ही उस वीडियो को अपने आप यहाँ पे ले लेगी, आप देख सकते हैं। और लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ड्यूरेशन तय करनी है, आपको 4 सेकंड का जिफी बनाना है, आपको मैक्सिमम मेरे हिसाब से 15 सेकंड का आप बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 15 सेकंड का यहाँ पे जिफी बना सकते हैं। उसके नीचे क्या है दोस्तों, ये गाना जितने भी मिनट का है आपको कौन से टाइम पीरियड से गाना चाहिए। सपोज करिए स्टार्टिंग सीन है, मुझे स्टार्टिंग सीन से ना आके अगर मैं यहाँ से ले लूँ ये एक मिनट में आपको निकालता हूँ। सपोज करिए मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ, ठीक है जिफी। अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी और ये 15 सेकंड तक का जिफी यहाँ से ले सकता है, या फिर दोस्तों अगर आप यहाँ से भी आगे बढ़ के ये अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं और उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों अब यहाँ से भी स्टार्ट इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ से करीब ये 15 सेकंड अगर आप कम करना चाहते हैं, अगर आप कम चाहते हैं भाई मेरा तो ये 5-7 सेकंड का ही हो जाए, आप इतना ही रखना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आप इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ से इसको जो भी आपका 8.9 है आप इसको 9 कर दीजिए, अब 9 सेकंड का यहाँ से ले पाएंगे दोस्तों। इस तरीके से आप बना सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं मुझे कोई और सीन चाहिए, आप चाहते हैं मुझे ना यहाँ से चाहिए, आप कहते भाई मुझे तो यहाँ से चाहिए, यहाँ से मेरे 9 सेकंड हो जाते, आपका यहाँ से 9 सेकंड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू डेकोरेट पर क्लिक करना है। और दोस्तों इसके नीचे आप चाहते हैं अगर सपोज करिए यहाँ पे जिफी आपका अपलोड होता रहेगा, अपलोड होने के बाद ही आपको यहाँ पे दिखाएगा कंटिन्यू टू अपलोड,
तो अगर आप चाहते हैं उसको कोई कैप्शन लिखना, अपनी कंपनी का नाम लिखना, या फिर आप चाहते हैं अपना कुछ ब्रांड का नेम लिखना, या कुछ भी आप मैसेज देना चाहते हैं छोटा सा, तो आप यहाँ पे दोस्तों मैसेज दे सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे जीफी अपलोड हो चुका है, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ सपोज करिए टॉप गुरुज, तो देखिए यहाँ पे आ गया। मैं करता हूँ इसको ड्रैग कर देता हूँ, ड्रैग कर दिया। आप इसमें चाहते हैं कि आप ना इस तरीके से आ जाए, इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहते हैं मैं नहीं तो रेनबो के कलर कलर बदलते की तरफ से आता रहे, तो आप करेंगे एनिमेशन में इस पर डिफॉल्ट कर देंगे, और यहाँ से आप इसको एनिमेशन के टाइप कर देंगे इस तरीके से। समझ रहे हैं दोस्तों, ये मैंने अपने चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम मैंने वो रख दिया। उसके बाद दोस्तों मैं करूँ कंटिन्यू टू अपलोड कर दूंगा। कंटिन्यू टू अपलोड करने बाद देखिए दोस्तों मुझे ना सोर्स यूआरएल दे देता है यहाँ पे। उसके बाद एंटर टैग्स, अगर आप टैग्स जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे टैग्स भी मैंशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना है अपलोड टू जीफी। और दोस्तों अपलोड टू जीफी के बाद देखिए क्रिएटिंग और जीफी होना स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। अब आसानी से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। अभी कोई क्रिएट करने में दोस्तों कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा क्रिएट होने में, और क्रिएट होने के बाद आपका जीफी लगभग रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना आप चाहते हैं, तो आप आसानी से दोस्तों वहाँ से भी शेयर कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। और आप चाहते हैं अगर उस चीज़ को डाउनलोड करना, तो मैं वो आपको डाउनलोड भी बता सकता हूँ कि आप कैसे आसानी से जीफी को डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज डाउनलोड आपको यहाँ से नहीं हो पाता है। तो डाउनलोड का आपको मैं शॉर्ट शॉर्टकट मेथड बताने जाऊंगा, ताकि आप आसानी से अपना जीफी को डाउनलोड कर पाएँ। तो उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, तो आप आसानी से दोस्तों अपना जीफी यहाँ पे डाउनलोड भी कर पाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहते हैं, तो आप शेयर भी कर पाएंगे। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा ये टाइम लग रहा है क्रिएटिंग होने में, लगभग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन लास्ट के थोड़े से में इसका थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ही आपका जीफी अपलोड हो जाएगा, तो आपको कुछ अलग अंदाज में कुछ यहाँ पे वो शोकेस करना दोस्तों स्टार्ट कर देगा। देखिए अब वो अपलोड तो हो चुका है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा जीफी आने वाला है। नेट थोड़ा स्लो है, स्विच थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा जो हमने जीफी बनाया था वो यहाँ पे आ चुका है, हमारे चैनल का नाम भी आ रहा है। अब दोस्तों अगर जो लोग भाई लोग शेयर करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ शेयर कर सकते हैं, और या फिर जो लोग लिंक कॉपी करना चाहते हैं, वो मीडिया पर जाएँ और यहाँ से लिंक कर लें, अदरवाइज वो कॉपी लिंक पर भी क्लिक करके यहाँ से भी जो लिंक कॉपी करना चाहते हैं, आसानी से यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, जो भी सोशल मीडिया आपको शेयर करना है, कहीं भी आपको एम्बेड करना है, तो आप एम्बेड यहाँ से पूरा कोड कॉपी करेंगे और आप आसानी से वहाँ जाके पेस्ट इसको कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों डाउनलोड कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मीडिया पे आप जाएंगे और सोर्स यूआरएल को यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के दोस्तों बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है सोर्स के बाद डॉट एमओबी है, एमओबी को छोड़ के आपको आना है सोर्स में आना है, और सोर्स के बाद आपको ECRUO हटा देना है। हटाने के बाद दोस्तों जब आपका एस रह जाएगा, तो आपको एंटर कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप एंटर कर देंगे, तो आप देखेंगे जिस तरीके का आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, खुल जाएगा। उन्हें आपको राइट क्लिक करना है और सेव इमेज एस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, तो इसका नाम दे देंगे, गाने का ही नाम दे दीजिए फर्स्ट क्लास, और इसको अपने डेस्कटॉप पे आप जहाँ भी देना चाहते हैं वहाँ पे इसको पाथ दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने पाथ दे दिया। अब ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डाउनलोड करना है, अपने पास चीज़ें सामान रखनी है। मैं करता हूँ, मैं ना इस चीज़ को किसी सोशल मीडिया पे करता हूँ, सपोज करिए मैं ट्विटर पे करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, ट्विटर मैंने ओपन करा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे अगर आप चाहते तो, लेकिन मैं इस स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे आप देखेंगे ऐड फोटो और वीडियो पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट क्लास जो नाम आपने दिया था उसको आप ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आप कर देंगे ट्वीट पे क्लिक। दोस्तों देख सकते हैं मेरा जीफी है वो अपलोड हो रहा है, अपलोडिंग प्रोसेस चल रहा है। आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अपलोड होने के बाद ये कैसा दिखता है। ठीक है दोस्तों, अपलोडिंग हो चुकी है, प्रोसेसिंग चल रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं जीफी है वो मेरा इस तरीके से यहाँ पे आपको पोस्ट हुआ होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको जीपी कैसे बनाना है, कोई भी क्वारी हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं और मेरी टीम आपका सपोर्ट करेंगे। और साथ साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो नोटिफिकेशन का लिए बेल आइकन दोस्तों जरूर दबाएं,
और दोस्तों आपको बता देता हूँ, हमारे स्क्रीन पर नंबर चलता है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप उस पर कॉल करके आप अपने बिजनेस को चाहते हैं ग्रो करना तो आप हमारे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही, फिर आपके लिए लेके आऊंगा कुछ नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे से, हमारे फेसबुक पेजेस को फॉलो करिए, हमारे सोशल मीडिया पेजेस को सबको फॉलो करिए। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग।